हेलो फ्रेंड्स, आज हम एलोवेरा का अचार बनाएंगे। इसके लिए पहले मैं गैस ऑन कर लेती हूँ और मुझे बिल्कुल थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल को गर्म करना है, जो कि मैं ठंडा करके फिर अचार में डालूंगी। तो मतलब हार्डली 1 स्पून मैंने ऑयल लिया है, जिसको मैं गर्म कर रही हूँ। अब हम इसमें, मैंने ये एक एलोवेरा लिया है पूरा का पूरा फ्रेश, एकदम टेंडर जो होता है वो, इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है। अच्छे से वॉश करके इसको मैंने सुखा लिया है। अब मैं इसको काटूंगी, इसके जो ये साइड वाले शार्प ये हैं लीव्स, इनको काट देना है, लेकिन स्किन नहीं उतारनी है। एक्चुअली सब लोग सोचते हैं कि जो एलोवेरा है उसका सिर्फ हमें फ्लैश यूज करना है, उसी में सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लेकिन ये एक मिथ है। मेन इसका जो इंग्रेडिएंट है वो स्किन है, साथ में स्किन के साथ आप इसका फ्लैश यूज करिए, तभी इसका बेनिफिट है। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, देखिए धुआं आ रहा है। मैंने आज चिमनी भी चलाई क्योंकि उससे बहुत डिस्टर्ब आवाज आ रही थी। अभी देखिए मैंने इसके दोनों साइड्स को काट दिया है, अब मैं इसको छोटे पीसेस में काट लूंगी। 1 मिनट में ये बनेगा अचार, और इसको बस 2 दिन आप रखिए, 2 दिन में ये आपका अचार तैयार है। बहुत टेस्टी लगता है, आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये क्या बना रही है एलोवेरा। आप देखिए सुबह उठे हैं, हम लोग वर्किंग है, हमारे पास कहाँ टाइम होता है कि हम सुबह उठ के जूस बनाएं और ये सब करें। भागम भाग होती है सुबह, हमारा तो वैसे ही बहुत हार्ड वो है टाइमिंग्स। तो आप देखिए मैंने इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। बस ये करिएगा कि इसको कांच के जार में रखिएगा, बाकी दूसरा वो जो प्लास्टिक वगैरह मुझे वैसे भी पसंद नहीं है। मेरी हर चीज आप देखेंगे कांच में है, मसाले क्या चाय पत्ती तक मेरी कांच की बोतल में है। मैं पानी भी कांच की बोतल ही यूज करती हूँ, मेरे घर में प्लास्टिक का कोई मतलब ही नहीं है। ये देखिए मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट लिया है, इधर से तेल भी ठंडा हो रहा है। ये देखिए अब हम इसमें नॉर्मल सॉल्ट नहीं डालेंगे, क्योंकि ये एक मेडिसिन है, ये भी फूड नहीं है। ये मेरे पास पिंक सॉल्ट है, टाटा का पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट। मैं इसको, आप इसको अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो मैं अपने अचार में थोड़ा मसाला ये कम नहीं होना चाहिए, नमक नहीं तो अचार खराब हो जाता है, तो थोड़ा हायर साइड में ही जाएगा। ये मैंने इसमें पिंक सॉल्ट डाला है हिमालयन का, तेल ठंडा हो रहा है और इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, ये थोड़ी सी हल्दी जाएगी और थोड़ी सी राई। राई को आप पीस के भी डाल सकते हैं। एक्चुअली मैं ऑफिस से आई थी, मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा ये इतना अच्छा टेंडर एलोवेरा खराब हो जाएगा, तो आप इसमें थोड़ा राई को क्रश करके डाल दीजिए। मैं साबुत ही डाल रही हूँ, मैं बहुत गर्मी है किचन में एक्चुअली आज, तो मुझे लगा मेरा एलोवेरा खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, नहीं तो मेरा मन नहीं था। ऑफिस से आने के बाद थोड़ा वो लगता है। अभी देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है ये, लेकिन आप इसमें कोशिश कीजिए हाथ से नहीं टच कीजिए इसको, अच्छे से इसको आपने मिक्स करना है मसाले को, ताकि ये पूरा कोट हो जाए इस तरह से, अच्छे से इसको कोट कीजिए। ये देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको कितना अच्छा कलर लग रहा है, और ये खाने में भी आपको बहुत टेस्टी लगेगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्या है, एक्चुअली क्या है कि इसको आप आलस नहीं आएगा, अपना डाइनिंग टेबल पे रखिए या किचन में सामने शेल्फ पे रखिए, जब खाना हो बस 2 या 3 पीस ही तो खाने हैं, कोई इसको ज्यादा भी नहीं बना के रख सकते। इसकी शेल्फ लाइफ है 15 दिन, ये आराम से चलता है, और इसको फिर से आप दोबारा एक एक करके बनाइए। और मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगी जिनकी डॉटर्स हैं, टीनेज डॉटर्स, वो जरूर इस अचार को यूज करें। देखिए मैं इसमें डालने के बाद, कोई भी आप कांच का जार लीजिए, इसके डालने के बाद जो तेल ठंडा हो रहा है हम उसमें इसको वो कर देंगे। तो मैं ये कह रही थी कि जिनकी डॉटर्स हैं, टीनेजर्स हैं, उनके लिए ये एक बून है, उनका ये आजकल जो भी PCOD वगैरह चल रहा है, लड़कियों की प्रॉब्लम है, ये उसका बहुत ही बढ़िया इलाज है। आप ये मत समझिए कि मैं एग्जेजरेट कर रही हूँ, ये मेरे को पता है, क्योंकि मेरी दादी, मेरी नानी ये लोग बहुत एक्सपर्ट थे, और मैं बहुत अपने आप को लकी कंसिडर करती हूँ कि मैं उनके सानिध्य में पली बढ़ी हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मुझे इन चीजों की थोड़ी ज्यादा नॉलेज है। तो आप ये अपनी डॉटर्स को जरूर खिलाइएगा, वैसे तो ये सबके लिए अच्छा है, लेकिन जो बच्चियां हैं, टीनेजर्स हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। देखिए
ये 2 या 3 दिन में तैयार हो जाता है। बेशक आप धूप में भी मत रखिए, कोई उसमें इश्यू नहीं है। देखिए ये मेरा जार तैयार है। अब ये मेरा जो पानी ये तेल था वो ठंडा हो गया, अब मैं उसको इसमें डालूंगी। बहुत ज्यादा तेल नहीं चाहिए इसको, बहुत ही कम तेल चाहिए। मैंने 1 चम्मच ही गर्म किया, ठंडा हो गया ये। अब मैं इसको अच्छे से शेक कर दूंगी। देखिए बस यही जाएगा इसमें, नमक हल्दी और राई। राई पीस के डालिए, मैंने पीसा नहीं, ऐसे भी गल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा अचार तैयार है। आपको इतना ही एक एक करके ही बनाइए। थोड़ा टेंडर वाला लीजिए उसका पार्ट, और फिर इस तरह से आप उसमें मस्टर्ड ऑयल डालिए, नमक हल्दी और राई, राई पाउडर डाल दीजिए। मैंने राई साबुत डाली है। ऑफिस से आने के बाद फिर मैंने खाना भी बनाया, तो अभी मैं सोचा बना ही देती हूँ, बस एलोवेरा ना खराब हो इसलिए बना दिया। तो ये आपका अचार तैयार है। आप इसको अपना शेल्फ पे ही रखिए किचन में, जैसे खाना कोई भी खाने बैठे 2 पीस ही तो खाने हैं इसके। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और आप जरूर इसको अपना फैमिली में यूज कीजिए। इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत है, वो आप सब जानते ही हैं, मुझे उसमें ज्यादा वो बताने की जरूरत नहीं है। बस मैं ये रिकमेंड करूँ कि इसका स्किन इसके साथ हम खा सकते हैं, वैसे हम स्किन नहीं खा सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।